पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, एक बार फिर से आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर के आए हैं कि यदि 12 घंटे पहले नरेंद्र मोदी ने बड़ा फैसला नहीं लिया रहता, यू टर्न नहीं लिए होते, तो उनकी सरकार गिर जाती। आपको बता दें कि यह मामला क्या है और इस मामले पर इतनी गंभीर बातें क्यों हो रही हैं। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से 24 घंटे में इस देश की राजनीति में अचानक से एक ऐसा माहौल आ गया, एक ऐसी बात सामने आ गई जिसको लेकर के काफ़ी बवाल मचा हुआ था, और ये बवाल था लेटरल एंट्री को लेकर के। लेटरल एंट्री को लेकर के जिस तरह से बवाल मचा हुआ था और एनडीए के भीतर इस घमासान ने नरेंद्र मोदी और एनडीए की सरकार को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर दिया था, उसके बाद से ये कहा जा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि विद्रोह के कारण सरकार ही गिर जाए। इस बात को लेकर के लगातार जिस तरह की बातें चल रही थी उसको जिस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, उस परिप्रेक्ष्य में अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा दाव नहीं था जिसको लेकर के अपने ही लोगों को मना लिया जाए। लेटरल एंट्री है क्या, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि नौकरशाही में लेटरल एंट्री के माध्यम से और वरिष्ठ स्तर के स्लॉट को भरने के लिए पारंपरिक सरकारी सेवा कैडर से बाहर के व्यक्तियों को भी भर्ती में शामिल किया जाता है। 2017 में नीति आयोग और शासन पर सचिवों के क्षेत्रीय समूह ने अपनी रिपोर्ट में केंद्र सरकार के माध्यम और वरिष्ठ प्रबंधन स्तरों पर कर्मियों को शामिल करने की सिफारिश की थी। इन लेटरल एंट्री के रूप में इसे जाना जाता था। औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान शुरू किया गया था इसे। रिक्तियों का पहला सेट 2018 में घोषित किया गया था। तब तक केंद्रीय सचिवालय में केवल अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सिविल सेवाओं के कैरियर के नौकरशाही शामिल होते थे। उन्हें 3 साल का अनुबंध दिया जाता था जिसे कुल 5 साल की अवधि तक बढ़ाया जा सकता था। इसको लेकर के काफ़ी हंगामा और बवाल मचा हुआ था और इसको लेकर के यूपीएससी ने एक जो है वो निकाला था आवेदन। उस आवेदन के तहत कई लोगों ने अपनी रजामंदी जाहिर की थी और इसमें आवेदन दिया भी था। लेटरल एंट्री के कारण ही आपको याद होगा कि इससे पहले मनमोहन सिंह, मोंटेक सिंह अहलूवालिया और रघुराम राजन की एंट्री हुई थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले पर विराम लगाते हुए अब इस पर यू टर्न ले लिया है। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि जिस तरह से जो बातें सामने आ रही थी और इसका जम करके विद्रोह हो रहा था, विरोध हो रहा था, उस विरोध को शांत करने के लिए अचानक से केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया है और उसने इसकी सूचना जो है वो यूपीएससी सहित अन्य विभागों को दे दिया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष को पत्र लिखकर सिविल सेवाओं में पार्श्व प्रवेश के लिए सरकार के विज्ञापन को रद्द करने की मांग की है। सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को केंद्र सरकार के पार्श्व प्रवेश के माध्यम से 45 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन को वापस लेने का निर्देश दिया है। इस निर्णय की विपक्ष और एनडीए के सहयोगी दलों जैसे जेडीयू, एलजेपी और अन्य दलों ने आलोचना की थी और माहौल गरमा रहा था। केंद्रीय मंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का दृढ़ विश्वास है कि पार्श्व प्रवेश की प्रक्रिया संविधान में निहित समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के साथ संरेखित होनी चाहिए, विशेष रूप से आरक्षण के प्रावधानों के संबंध में। सिंह ने कहा कि पीएम के लिए सार्वजनिक रोजगार के आरक्षण हमारे सामाजिक न्याय ढांचे की आधारशिला है। इसका उद्देश्य ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना और समावेश को बढ़ावा देना है। लेकिन खैर, इन सारी बातों के साथ साथ पत्र में और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई है। चूंकि इन पदों पर विशिष्ट माना गया है और एकल कैडर पदों के रूप में नामित किया गया है, इसलिए इन नियुक्तियों में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया था, जिसको लेकर के जो एनडीए के घटक दल हैं वो अपना दबाव बना रहे थे और सरकार को इसे वापस लेने की बात कर रहे थे। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष ध्यान रहता है और इस पहलू की समीक्षा और सुधार की आवश्यकता है, ऐसी बातें भी प्रधानमंत्री ने थी। और इसके साथ ही यूपीएससी से 17/8/2024 को जारी किए गए एक लेटरल एंट्री भर्ती के विज्ञापन को रद्द करने का आग्रह किया गया है। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि ये लेटरल एंट्री जो है वो केंद्रीय कैडर में जो लोग हैं जो अलग हो गए हैं या सेवानिवृत्त हो गए हैं, वैसे लोगों को, विशेष लोगों को जो विशेष अर्हता रखते हैं, जानकारी रखते हैं, वैसे लोगों को विशेष विभागों में नियुक्ति दी जाती थी। ऐसे ही नियुक्ति के माध्यम से अब भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये हमारा नहीं बल्कि पूर्व यूपीए सरकार का ये निर्णय था और यूपीए सरकार में कई लोगों की एंट्री हुई जिसमें मनमोहन सिंह, मोंटेक सिंह अहलूवालिया और रघुराम राजन का नाम लिया जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं जहाँ एक तरफ चिराग पासवान इसको लेकर के लगातार
हमलावर भी हैं, तो वही जनता दल यूनाइटेड ने भी इस पर आपत्ति जाहिर की थी। अब जबकि इस विरोध को दूर करने के लिए और एक बार फिर से यूटर्न लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इसके लिए उन्होंने चिट्ठी दी है, यानी कि एक भारी बवंडर को 24 घंटे के अंदर यूटर्न लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सरकार और अपनी कुर्सी दोनों बचा ली है। आगे क्या होगा देखना दिलचस्प होगा। हमारी नज़र पूरी तरह से बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700।